हेलो फ्रेंड्स, किसी अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर का ही टॉपिक संधि। संधि, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियो, जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके पेपर से रिलेटेड हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और प्रथम दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि को अपने मूल रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। समास और संधि में अंतर देख लेते हैं। समास में शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है। समास व संधि में समानता, समास और संधि दोनों में शब्द संक्षेप हो जाता है। संधि के प्रकार, वर्णों के आधार पर संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो चलिए पहले देख लेते हैं विसर्ग संधि को। अगर किसी शब्द के बीच में श, श, श आए तो संधि विच्छेद करते समय इनके स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। इसका रूल नंबर 1 है। जैसे निश्चय, निष्कलंक, निस्तार, इसमें आधे श आए हुए हैं छोटे बड़े, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग लगा देंगे। निश्चय, निकलंक, नितार, ये इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 2 विसर्ग संधि का। यदि किसी शब्द में मूल शब्दों के बीच में ये चिनाए हों, रह के, ये रह जो हमारे जो किसी अक्षर के ऊपर लगा होता है व्यंजन, तो संधि विच्छेद करते समय उसके स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे निर्जल, निर्मम, निर्दय, ये इसके उदाहरण है। नी जल, नीमम, निदय। रोल नंबर 3, यदि किसी शब्द में नी के बाद र आए तो उस शब्द की संधि विच्छेद करते समय नी को, यानी इसकी बड़ी की मात्रा को छोटी में बदल देते हैं और विसर्ग लगा देते हैं। जैसे नीरस, नीरोग, नियोजन, तो इसकी मात्रा हम इधर लगाएंगे, तो नीरस, निरोग और नियोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 4, यदि मूल शब्द में दो खंड स्वतंत्र शब्दों के बीच में ओ की मात्रा हो तो उस शब्द की संधि विच्छेद करते समय पहला खंड स्वतंत्र शब्द के बाद ओ के स्थान पर विसर्ग लगा देते हैं। जैसे मनोरथ, रजोगुण, तो इसमें ओ की जो मात्रा है, और दो खंड है मन और रथ और ओ की मात्रा है, तो ओ का लोप कर देंगे और विसर्ग लगा देंगे संधि विच्छेद करते समय। तो रज गुण, मनोरोग, मन रोग, तो यहाँ पर ये विसर्ग लगेगा। यह है इसके। और अन्य कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं। यशोदा, यश दा, मनोविज्ञान, मन विज्ञान, निर्जा, नी रज, निष्कर्ष, निकर्ष, ये इसके इम्पोर्टेंट है उदाहरण, जितने भी आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, यदि किसी मूल शब्द में व्यंजन के स्पर्श व्यंजन के किसी वर्ग में तीसरा या पांचवा वर्ण हो तो संधि करते समय दोनों वर्ग के पहले वर्ण में बदल देते हैं। जैसे दिग्विजय, दिग्विजय। देखिए यहाँ पर तीसरा या पांचवा वर्ण हो तो यहाँ पर कै वर्ण में, कै जो वर्ग है, कै, खै, गै, घै, तो इसमें जो वर्ण है, तो कै इसका पहला, इस कै वर्ग का पहला अक्षर है, तो पहले वर्ण में बदल देते हैं अगर तीसरा या पांचवा वर्ण हो तो। दिग्विजय या तीसरा वर्ण है कै वर्ग का, तो हम इसे संधि विच्छेद करते समय पहला वर्ण कौन सा है, कै, तो इसमें दिक् कै आएगा और नीचे हलंत, तो दिग्विजय।
सद्भावना, सद्दैव जो इसमें अक्षर है, तो दै जो इसमें अक्षर है यह है तय वर्ग का, तय थे दै, तो तय वर्ग में आता है, तीसरा वर्ण है तो ये तय में आएगा। तय इसका संधि विच्छेद करते समय तय पहला, जैसे हम बताया ना वर्ग का पहला वर्ण में बदल देते हैं, तो सद्भावना, ऐसे ही सट दर्शन, तय टय वर्ग में वांग में, यह कै वर्ग में आता है, सबसे अंतिम पांचवा वर्ण है कै वर्ग का, कै खै गै घै और ण, तो यहाँ पर ये पांचवा वर्ण आया है और इसे संधि विच्छेद करते समय पहला वर्ण क्या है कै, तो कै में बदल देते हैं वाग में, यह इसके संधि विच्छेद के उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी शब्द में दो समान वर्ण, एक आधा व एक पूरा, या दोनों वर्ण स्वर्ण स्वर सहित हो, तो इस शब्द की संधि विच्छेद करते समय दोनों समान वर्णों से पहले वर्ण को तय में बदल देते हैं, जैसे उज्ज्वल, दो आधे जे हैं तो तय में बदलेंगे, उज्ज्वल, उड्डयन, उन्नत, उच्चारण, खुद्दार और सज्जन, ये इसके संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, यदि किसी शब्द में छह, आधा छह और छह एक साथ आए, तो इस स्थिति में अंत के शब्दांत में हो तो, और इनकी स्थिति शब्द के अंत के शब्दांश में हो, यानी ये अंत में आया है, परी अलग है और छेद अलग है, प्रति अलग है, छाया अलग है, तो यह अंत में है तो इसे छह में बदल देते हैं, आधा छह और छह को छह में बदल देते हैं, तो विच्छेद, परिच्छेद, कोई विसर्ग वगैरह का यूज नहीं करेंगे, प्रति ऐसे ही, और इसमें आधा छह लोप हो जाएगा और छह का प्रयोग होगा, तो इसका संधि ऐसे होता है। ये केवल उस स्थिति में होगा यदि आधा छह और छह किसी शब्द में अंत के शब्दांश में हो, यानी अंत, इसके बाद तो कुछ नहीं है। अब देख लेते हैं, जैसे नेक्स्ट हम अगर देखेंगे तो इसमें भी अगर छः का एक साथ, यदि किसी शब्द में छः आए और लेकिन इसकी स्थिति पहले शब्दांश में हो, तो संधि विच्छेद करते समय छः के स्थान पर ज्यादा छः है उसके स्थान पर तय, और छः के स्थान पर छः का यूज होगा, जैसे उच्छ्वास, तो यहाँ पर छः की स्थिति क्या है, छः के आधा छः और छः की स्थिति क्या है, यह पहले शब्दांश में है, बाद में वास है, और जैसे इसमें कर है, तो इसीलिए हम इसका इस नियम के अनुसार इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पर दिया है उच्छ्वास, तो इसे छः, आधा छः को हम तय में बदल देंगे और छः को बदल देंगे छः में, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा उच्छ्वास, ये पहले शब्दांत में है, तत्शंकर, तत्शिव, यह इसके संधि विच्छेद है। रूल नंबर 5, यदि किसी शब्द में अनुस्वार अन लगा, रूल नंबर 5, यदि किसी शब्द में अंग की बिंदी ये आए, तो उस शब्द की संधि विच्छेद करते समय अनुस्वार को मैं में बदल देते हैं, जैसे संघार, संगत, संध्या, तो इसमें ये आधा में, या मैं के नीचे लंत जो है ये संहार, संगत, संध्या, संकार, संस्कार का, संस्कृति, संकृति, संकर, संकर, यह इसके संधि विच्छेद होंगे, उदाहरण होंगे। यदि किसी शब्द में बीच में ये पेट चीरा फै आए, तो उस शब्द की संधि विच्छेद करते समय वह छोटे से में बदल जाता है। अगर किसी शे 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 से पहले ई ऊ हो, तो शे में बदल देते हैं, जैसे विषम, अभी, शेख, ठीक। और महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं, स्वच्छ, श्वास, सच्चा, तो तय यहाँ पर आएगा,
इसके संधि व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आता है स्वर संधि। जब दो स्वरों वर्णों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाति संधि इसके उदाहरण है। पहला चलते हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में जब समान वर्ण आपस में मिलकर इसका ये लघु या वो इसका दीर्घ रूप ग्रहण करते हैं तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। जैसे ई छोटा ई या बड़ा ई मिलकर, छोटा ई या बड़ा ई आपस में मिलकर बड़ी ई का निर्माण करते हैं तो यहाँ पर स्वर संधि होगी। ऐसे आई ऊ के उसमें तो बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ इसमें संधि करते समय हमें प्राप्त होगा। जैसे विद्यालय का हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ प्लस आ तो इजिक्वल टू आ ही होगा, तो विद्यालय। विद्यार्थी, कपीश, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट इसके कुछ उदाहरण है, देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं हमारा गुण संधि। गुण संधि में होता क्या है, जहाँ पर ए या आ, ए प्लस आ, ए या आ, एक सेकेंड, ए या आ प्लस में ई या ऊ हो, छोटा हो या बड़ा हो, ऊ हो या छोटी हो या बड़ छोटा हो, तो वहाँ पर ए और ओ हो जाता है गुण संधि में, ए और ओ। तो ए ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं और आ ई ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, तो वहाँ पर गुण संधि। तो स्व इच्छा, हर इंद्र, रमा प्लस ईश और महा प्लस ईश, यह इसके संधि विच्छेद होंगे। स्वेच्छा के स्व प्लस इच्छा, हर प्लस इंद्र हरेंद्र का, रमा रमेश का, रमा प्लस ईश महेश का, महा प्लस ईश। महोत्सव देख लेते हैं, महा प्लस उत्सव या ओ आ रहा है, नर प्लस उत्तम, सूर्य प्लस उदय, जल प्लस उर्मी, तो यहाँ पर ओ जो है ये बना रहे हैं। और यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर ए का ये बन रहा है, ए प्लस ई मिलकर ए का निर्माण कर रहे हैं और वहां पर ए प्लस ऊ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं, तो वहां पर जहां पर भी ऐसा होता है वहां पर गुण संधि होती है। और ए और आ के बाद र आए तो उसका अर हो जाता है, जैसे महा प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। नेक्स्ट देख लेते हैं वृद्धि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में होता क्या है, ए और आ के बाद में, वहां तो था ई और ऊ गुण संधि में, तो ई और मिलकर ए और ओ का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ए और आ के बाद में ए और औ आ जाता है, तो इसमें हमेशा इसका बड़ा होगा इसका। तो देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण। वितेषणा, वित प्लस एषणा, तथा प्लस एव, तथैव का महेश्वर्य का, महा प्लस ऐश्वर्यम, एक एक का, एक एक, परम औषध, परमौषध का, महोज, महा प्लस औज, तो यह इसका ओ का दीर्घ रूप यहाँ पर महोज। तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि होगी। यण संधि देख लेते हैं, यदि उसमें तो था सबसे पहले कि ए प्लस आ शुरू में आएंगे, लेकिन यण संधि में ए और आ को छोड़कर ई ऊ र ल के बाद कोई ए समान स्वर आए तो वहां पर ई य व और र और ल हो जाता है, य व र ल। नेक्स्ट इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यण संधि का उदाहरण है प्रति एक, तो ई प्लस ए यानी ई,
देख लेते हैं, यहाँ पर ई ऊ र के बाद कोई असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर आए तो वहां पर ई के बाद यह होगा, ऊ के बाद वह होगा, र के बाद ल रह होगा और ल के बाद ल होगा। ये इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्येक ई प्लस जैसे प्रत्येक का प्रति प्लस एक, पर्यावरण परी प्लस आवरण, अभ्यागत का अभी प्लस आगत, अत्यधिक ई प्लस ए यह बना रहा है, और अन्वेषण ऊ प्लस ए वह बना रहा है, ऊ आ गया, यहाँ पर भी वह बनेगा, सुअल्प, मनवांतर मनु प्लस अंतर, यहाँ पर पितृकार पितृ प्लस आ गया पितृ अनुमति, तो यह सब यण संधि के उदाहरण है। अयादि संधि, अयादि संधि में शुरू में जो हमारे स्वर होंगे वह ए बड़ा ए ओ और बड़ा ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो वहां पर आए आए आओ आओ में बदल जाता है, आए आए आओ आओ में, जैसे यह और वह भी कह सकते हैं, तो आए आए आओ में बदल जाता है। यदि छोटा ए है और असमान कोई भी स्वर है तो वहाँ पर आए होगा, यदि बड़ा ए है तो प्लस में कोई भी स्वर है तो आए हो जाएगा, और ओ का भी आओ और आओ में बदल जाता है। इसके उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देते हैं। नयन का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, नयन तो आए इसमें आ रहा है तो आए मिलता है ए प्लस असमान स्वर से, तो नयन। नायक इसमें आए, इसमें आए आ गया है आए, तो नायक में आए है तो बड़ा ए तो नए अक, इसका संधि विच्छेद होगा। तो आप समझ चुके हैं, तो देख लीजिए, गायक का गेयक, पवन का पो अन, वे आ रहा है तो आओ आओ होगा, ओ प्लस कोई भी असमान स्वर अन, ए आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका, वे या आओ, तो पवन पावन पो अन, इसमें बड़ा ओ आ जाएगा और यहाँ पर आओ हो जाएगा। नाविक नौ इक, पवित्र पवित्र, भवन का भव अन, भाव का भव उक, वे आ रहा है प्लस में कोई भी असमान स्वर तो ओ भावुक, श्रवण श्रो अन, ये इसके संधि विच्छेद के उदाहरण है। आप एक नज़र इन पर मार लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ये कौन सी यहाँ पर संधि है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको अन्य वीडियो भी मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, आप उन्हें भी देखिए। धन्यवाद।